लथुआ न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों में नई जमीन तोड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए फ्रांस के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए गर्मजोशी से निमंत्रण दिया है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन की भारत की हाई प्रोफाइल यात्रा के कुछ दिनों बाद आया, जहां दोनों देशों ने एक महत्वाकांक्षी रक्षा रोडमैप का अनावरण किया है। रणनीतिक हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। राष्ट्रपति शी ने कहा, चीन द्विपक्षीय संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता है और मैक्रोन के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। विदेश मंत्रालय वांग ये ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए फ्रांसीसी आयात बढ़ाने की चीन की पेशकश की घोषणा की।中法关系始终走在中国同西方国家关系前列，为两国人民带来福祉，为世界和平稳定发展做出贡献。 从飞机、卫星、核电站到葡萄酒、奶酪、化妆品，中法合作既有高精尖，也能接地气。从互设文化中心到互办文化年、语言年。 中法人文交流为世界文明互鉴作出表率。从联合国气候变化巴黎大会到昆明蒙特利尔生物多样性大会，中法携手引领国际社会共同应对全球性挑战。 中法关系的独特历史塑造了独特的中法精神。10年前我访问法国时，我将其概括为独立自主、相互理解。 लथुआ न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।